इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वो बुड्ढा का तेरा बाप लगता था? तेरी माँ का खसम? हराम साधो, एक बुड्ढे की वजह से हमारा सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है रवि, वोट तो तुझे मिले पर इलेक्शन तू नहीं जीतेगा। चलो वोटों के सारे डिब्बे छीन लो, चलो। दोस्तों, आपने बॉलीवुड फिल्मों में काफी खतरनाक विलन देखे होंगे, मगर एक चेहरा जो आज बॉलीवुड से गायब है, एक ऐसा खूंखार खतरनाक विलन जो आपको जरूर याद होगा, जिसको आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में जैसे कि इंडियन में वसीम खान, लोफर फिल्म में बादशाह, गुंडा में बुल्ला और गर्दिश फिल्म में बिल्ला जिलानी के रूप में देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खूंखार विलन की जिसको देखने के बाद लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती थी, जिसको आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं में देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश ऋषि की, जिन्होंने अपनी पहचान बॉलीवुड में निगेटिव किरदारों से बनाई। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश ऋषि की बायोग्राफी लाइफ स्टोरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मुकेश ऋषि का जन्म 19 अप्रैल 1956 को भारत के जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुआ। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता का नाम मिस्टर ऋषि है और इनकी माता एक हाउसवाइफ है, मगर मुकेश ऋषि के माता पिता की इंटरनेट पर कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। बात करें मुकेश ऋषि की शिक्षा की, तो इन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 11 के गवर्नमेंट कॉलेज में अपने स्नातक की पढ़ाई की और इसी कॉलेज में वे एक लड़की से मिले जिसका नाम केशनी था। केशनी भी इसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जो कि फिजी आइलैंड की रहने वाली थी। कॉलेज में अचानक दोनों की मुलाकात हो गई और ये मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। कुछ समय बाद मुकेश ऋषि की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर मुकेश ऋषि ने केशनी से शादी करने का वादा कर लिया। चंडीगढ़ में केशनी की पढ़ाई मुकेश ऋषि से पहले फाइनल होने के बाद केशनी अपने फिजी आइलैंड चली गई और अब मुकेश ऋषि चंडीगढ़ में अकेले रह गए। मुकेश ऋषि भी अपनी पढ़ाई फाइनल करने के बाद मुंबई आ गए और मुंबई में 2 साल काम किया, मगर मुंबई में काम में मन नहीं लगा तो मुकेश ऋषि काफी उदास रहने लगे और इन्हें अक्सर अपने प्यार की याद सताने लगी। उसके बाद मुकेश ऋषि ने फिजी आइलैंड में काम करने के लिए मन बना लिया और अचानक मुकेश ऋषि मुंबई छोड़कर फिजी आइलैंड चले गए, जहां इनकी गर्लफ्रेंड केशनी रहती थी। मुकेश ऋषि फिजी आइलैंड पहुंचने के कुछ समय बाद ही इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड केशनी से शादी कर ली। मुकेश ने फिजी आइलैंड में कुछ साल काम करने के बाद मुकेश ऋषि वहां से न्यूजीलैंड चले गए और वहां एक दुकान में मैनेजर बन गए। मुकेश ऋषि ने न्यूजीलैंड में ही अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की, मगर दुकान के कामों में उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता था कि मॉडलिंग को अपना समय दे सकें। न्यूजीलैंड में 7 साल काम करने के बाद मुकेश ऋषि का मन न्यूजीलैंड में भी नहीं लगा और मुकेश अपने करियर को लेकर काफी डिप्रेशन में आ गए। मुकेश को न्यूजीलैंड में अपना काम करते वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, और फिर मुकेश ऋषि ने न्यूजीलैंड को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। मुकेश ऋषि मुंबई आ गए और मुंबई में आने के बाद मुकेश ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई के रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और यहां से इनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। मुकेश ऋषि फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे जाने माने अभिनेता हैं जिन्होंने कई हिंदी सिनेमा जगत के लिए काम किया, जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मराठी और बॉलीवुड। मुकेश ऋषि ने अब तक 120 फिल्मों में काम किया, मगर मुकेश ने सबसे ज्यादा शोहरत और नाम कमाया तो सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री से। मुकेश ने बॉलीवुड में अपना एक खास मुकाम हासिल किया और अपने आप को एक खूंखार खतरनाक विलन के तौर पर स्थापित किया। मुकेश ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 22 जून 1990 को आई फिल्म घायल से की, जिसमें हीरो थे सनी देओल और विलन के रूप में थे अमरीश पुरी। इस फिल्म में मुकेश ऋषि को कामरान का साइड रोल मिला, मगर लोगों की नजर मुकेश ऋषि पर कोई खास नहीं पड़ी और फिर मुकेश ऋषि को लोग नजरअंदाज करते दिखे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई। फिर मुकेश ऋषि को 19 सितंबर 1993 में एक और बॉलीवुड फिल्म मिली जिसका नाम था गर्दिश। इस फिल्म में सितारे थे जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, डिंपल कपाड़िया, राज बब्बर,
असरानी और इस फिल्म में विलन के रोल में थे मुकेश ऋषि, जिनका नाम था बिल्ला जिलानी। इस फिल्म से मुकेश को काफी शोहरत और नाम मिला और लोगों को गर्दिश फिल्म में बिल्ला जिलानी का किरदार इस कदर पसंद आया कि आज भी लोग मुकेश को बिल्ला के रूप में जानते हैं। और फिर गर्दिश फिल्म के बाद मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पसंद बन चुके मुकेश ऋषि ने बॉलीवुड में एक ऐसा तूफान मचाया कि हर इंसान मुकेश की एक्टिंग का दीवाना हो गया। उस समय के दौर में सबसे ज्यादा विलन का किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, रामी रेड्डी, मोहन जोशी, डैनी, टीपू आनंद, राजा मुराद और बहुत सारे अभिनेताओं की लिस्ट में मुकेश ऋषि भी शामिल हो गए। मुकेश ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टरों के साथ भी काम किया, जिनके नाम है सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, मिठुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर और संजय दत्त। इन सब दिग्गज अधिकारों के साथ मुकेश ने जमकर बॉलीवुड में निगेटिव किरदार निभाए। मुकेश ऋषि की बॉलीवुड फिल्मों में इतनी लंबी लिस्ट है कि हर इंसान मुकेश को एक खूंखार खतरनाक विलन के तौर पर जानता है। बात करें मुकेश की बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्मों की, तो इनमें शामिल है सन 1990 में आई घायल, जिसमें उन्होंने कामरान का किरदार निभाया, सन 1953 में आई गर्दिश में बिल्ला जिलानी, सन 1998 में आई गुंडा में बुल्ला, सन 1999 में आई लाल बादशाह में अजीत सिंह, सन 1999 में आई सूर्यवंशम में देशराज ठाकुर, सन 2000 में आई सरफरोश में इंस्पेक्टर सलीम, ज्वालामुखी में रंगा राव, कुरुक्षेत्र में इकबाल पसीना, सन 2001 में आई इंडियन फिल्म में वसीम खान और सन 2004 में गर्व फिल्म में जफर सुपारी का किरदार। मुकेश ऋषि को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो कि उन्हें साल 2000 में फिल्म सरफरोश में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें हीरो थे आमिर खान, नसरुद्दीन शाह। और फिर साल 2005 के बाद मुकेश ऋषि की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जिसके बाद मुकेश को बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। साउथ इंडियन फिल्मों में भी मुकेश ऋषि ने अपने अदाकारी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। मुकेश ऋषि एक ऐसा अभिनेता है जिन्होंने हिंदुस्तान की कई हिंदी सिनेमा जगत के लिए काम किया और अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी मुकेश ऋषि की बायोग्राफी लाइफ स्टोरी। अगर आपको भी किसी की बायोग्राफी देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।